करनाल के घरोंडा में भी असर देखने को मिला। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर करनाल के घरोंडा में व्यापार मंडल ने किसानों का समर्थन करते हुए बंद में सहयोग किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किसानों के समर्थन में उतरे और पेट्रोल पंप के पास मंडी गेट पर बैठ गए। वह केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। किसान संगठनों ने डिंगर माजरा रोड के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। वह केंद्र सरकार तथा हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मोदी व खट्टर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दोनों ओर से सर्विस लाइन को बंद कर दिया गया। आवागमन रुकने के कारण प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को पुल के ऊपर से भेजा गया। अनाज मंडी गेट के पास किसान संगठनों ने धरना दिया, जिसको मंडी एसोसिएशन घरोंडा व कांग्रेस पदाधिकारियों ने समर्थन दिया। इस मौके पर अनाज मंडी एसोसिएशन घरोंडा के प्रधान रामलाल गोयल, कांग्रेस नेता रघुवीर संधु व कुछ अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता ठीक नहीं है। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान 13 दिन से ठंड में सड़कों पर बैठे हैं और सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। कृषि प्रधान देश में किसानों से ऐसा व्यवहार हरगिज सही नहीं है। जगह जगह पुलिस भी तैनात देखी गई। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। आज किसान यूनियन के नेताओं द्वारा पूरे भारत बंद का आह्वान था। कांग्रेस पार्टी के सभी साथी आज किसानों के साथ हैं, क्योंकि जो 3 अध्यादेश काले कानून किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार लेके आई है, उन अध्यादेशों के हिसाब से किसान को बर्बादी के करार पर पहुँचाने की इनकी योजना है, जो केंद्र सरकार ने, मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने अंबानी और अडानी से मिलकर के पूरे देश में इनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करवा के ज़मीनें दे के इनको, और अनाज स्टोरेज करने की, सब्जियां स्टोरेज करने की, जो तिलहन तेल की फसलें हैं उनको सारों को स्टोर करने की, स्टोर करके और पूरे हिंदुस्तान पर दो ही कंपनियों का, 2-4-5 कंपनियों का कब्जा करवाने की जो साजिश है, ये आज किसान उसके विरोध में सड़कों पर बैठा है। 12 दिन से दिल्ली चारों तरफ से घेरी हुई है। लाखों किसान वहाँ हैं, हजारों ट्रैक्टरों की तादाद में वहाँ ट्रैक्टर पहुँचे, ट्रालियाँ पहुँचे हैं। आज किसान की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, ताकि इनकी बात सुनी जाए, 3 अध्यादेश वापस लिए जाए, MSP लागू की जाए। इन अध्यादेशों के खिलाफ हम आज किसानों के साथ हैं। पूरा घरोंडा आज बंद है। भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों द्वारा किया गया था, और हमारे यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, करियाना वाले हैं, गारमेंट्स वाले हैं, सभी दुकानदारों ने हमारा पूरा साथ दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद में हमने अपना योगदान दिया है। देखो, पहले तो 9 तारीख की मीटिंग की इंतज़ार करते हैं, कल को क्या होता है। हो सकता है भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और वो हम देशवासियों की अपील को मानकर हमारे लिए कुछ अच्छे फैसले ले सकें, भगवान उनको ताकत दे। और किसी वजह से अगर ऐसा ना हो पाया तो उसकी रणनीति फिर हम अगले दिन बनाएंगे, और वो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन होगा वो आर पार। अब बार बार हम लोग वहाँ पे खाली मीटिंग में इस तरह नहीं रहेंगे। अब तो जो कुछ होगा उसके बाद फिर आर पार होगा। या तो सरकार हमारे पर बुलडोजर चला दे, तोप से गोले दगवा दे, या हमें कुछ देकर वहाँ से उठा दे। सरकार तो अब तक तो ऐसे किसी भी मूड में नहीं है कि हम ये कह सकें वापस लेगी या संशोधन करेगी। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि सरकार को विशेष सत्र बुलाकर और इसमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जिससे किसान को ये लगे भाई हाँ, हमारे लिए कुछ हुआ है और हम घर जाने के लिए अब सही हैं, घर जा सकते हैं। खाली ऐसे नहीं अब वापस आएंगे, लेकर आएंगे। इस तरह खाली आने से तो बेहतर है हम वहीं पर अपने जान को कुर्बान देते हैं। पूरे हरियाणा की मंडियां किसानों के साथ है। यह आंदोलन खाली किसानों का नहीं है, ये सभी व्यापारियों का है। इससे सब जुड़े हुए हैं किसानों से, और जब तक सरकार ने ये जो कानून लागू किया है ये वापसी नहीं लेती, तो हम पूरी तरह से तन मन धन से किसानों के साथ हैं। बिल्कुल, हम पूरी एसोसिएशन के साथ वहाँ पर गए थे, और हमारे जो किसान यूनियन के जिला के प्रधान हैं सरदार जी, तो हम 7 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके पैदल चल के उनके साथ गए। उनका हौसला
तालाबाजाई किया और उनसे हमने पूरा समर्थन दिया भाई, हम तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं। ये लड़ाई खाली किसानों की नहीं है, इसमें आड़ती भी हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी है चाहे परचून व्यापारी है, सबकी लड़ाई है। खाली किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये सभी व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सभी के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो ये सरकार का दुर्भाग्य होगा, कि उनको देखना चाहिए बाहर आके कि हर आदमी, हर खाली किसान नहीं और भी कोई आदमी है, सबकी जन भावनाएँ जुड़ी हुई है इस चीज़ से। वो देख रहे हैं कि भाई इससे अगर ये चीज़ लागू होगी, कल आपने देखा होगा, हमने भी वीडियो देखी है नोल्टा के अंदर 100 एकड़ में जो अडानी अंबानी ने जो गोडाउन बनाए हैं, अभी से तैयारी शुरू हो गई है, और जहाँ पे भी मंडियाँ सिस्टम नहीं है, और जो ये नई सिस्टम सिर्फ सरकार ये MSP को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती है, सरकार की मंशा यही है। और इसीलिए किसानों को, अब पहले किसानों को नहीं पता होता था, अब सब जागरूक हैं, इसीलिए किसान अड़े हुए हैं। और ये जायज मांग है सरकार को, आके कल इस बात को, इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए और आगे आके ये कानून खत्म करना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.